हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आरके वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज मैं एक एमसीए इंट्रेंस का एग्जामिनेशन है निमसेट, जिसके थ्रू एनआईटीज में आपको एडमिशन होता है। उस निमसेट में जो लिमिट्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका मैं ईयर वाइज सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। आप लोग इसे समझने का कोशिश करिए, अपना पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, एक पढ़ने की मुद्रा में बैठ करके, ये नहीं कि किसी भी पोज में बैठ करके टाइम को वेस्ट कर लिए, ऐसा काम नहीं करना है। तो हमें आशा है कि आप लोग अपने पोजीशन में आगे होंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये 2013 के निमसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर्म अगर चेक करें इसका, 10 0 0, ये 0 0 -0 / 0, ये फॉर्म 0 by 0 का है। ये फॉर्म आपको ये 0 by 0 के फॉर्म में जा रहा है। तो डायरेक्ट अगर चाहते हैं कि इसमें हम रूल लगाएं ट्रिगोनोमेट्री का, तो आपको दिक्कत होगी। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था एल हॉस्पिटल रूल लगाना, 0 by 0 का फॉर्म, यानी कि अंश का और हर का अलग अलग डीसी निकालना, न्यूमेरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो अगर इसका डीसी निकालें बाय अप्लाइंग ये चीज, सिर्फ ये यहां समझाने के लिए आप लोग एग्जामिनेशन में ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि ऊपर में जो है उसका डीसी निकालिए, 10 का डीसी sec स्क्वायर x, x का डीसी 1। नीचे आइए, यहां पर u इंटू v का रूल लगेगा। x स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, 10 का डीसी होगा sec स्क्वायर x, प्लस v को ब्रेक करेंगे, 10x को ब्रेक करेंगे, तो 10x को ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर का डीसी आपको हो जाएगा 2x। ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर आपको tan स्क्वायर x हो गया, नीचे यहां x स्क्वायर sec स्क्वायर x है, और ये आपको 2x tan x है। अगर यहां ऊपर नीचे नॉर्मल रूल लगा दें, जैसे tan स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे अगर डिवाइड कर दें तो क्या आपको होगा, सो देखिए। ऊपर में डिवाइड करेंगे, 10 स्क्वायर x / x स्क्वायर, नीचे आइए इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, बगल में 2x इंटू 10x बाई एक्स स्क्वायर। इस तरीका से क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड किए, ये नीचे का टर्म कैंसिल होगा, यहां पर भी एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स अगर लें तो इसका वैल्यू होगा 1 1 स्क्वायर, ऊपर में नीचे अगर आते हैं यहां पर डालेंगे sec 0, sec 0 का वैल्यू भी 1, तो 1 स्क्वायर 1 होगा, और यहां पर ये 10x बाई एक्स भी आपको होगा 1, तो बगल बच जाएगा आपको 2। तो ये आपको 1/2 + 1 = 3, ये 1/3 आपका हो जाएगा, यानी ये आंसर आपको हो जाएगा डी इसका। अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है निमसेट में, और ये एक लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करके आपको है, ये सीरीज वाला सवाल है। तो एक्चुअल में ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन होता है, एज ए लिमिट ऑफ सम जिसमें बनाते हैं, उसमें लिमिट्स का यूज किया जाता है। एक्चुअल में अगर देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 1 × π है, ये 2 × π, 3 × π, इस तरह से करके n-1 × π, इसके बाद टर्म नहीं है। अभी अगर यहां से यहां तक का टर्म देखें तो n-1 ही है, लेकिन इसके बाद अगर इसमें देखें आपको समझाने के लिए, तो 0 तो इसमें है ही, आप इसको लिख सकते हैं साइन n π / n, समझिए इस तरीका से n-1 के से एक बड़ा n, तो n कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0। तो एक्चुअल में आप देखिए कि यहां से यहां तक कुल कितना टर्म हो गया, एन टर्म्स हम दर्शा दी। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, जब हम लोग इंटीग्रल में सोचते हैं इसका आठवां टर्म निकालते हैं, तो आठवां टर्म अगर निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पाई बाय एन, सिग्मा लेते हैं आर इज इक्वल टू 1 to n, और इसका अगर आठवां टर्म निकालें तो वो कौन होगा, तो हो जाएगा साइन आर पाई बाय एन, इसका आठवां टर्म होगा। पहला टर्म है तो 1, दूसरा टर्म है 2,
तीसरा टर्म है तीन, आठवां टर्म होगा तो आ, पाई बाय एन तो सब में है। अब इसके बाद का स्टेप अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा अगर इसको अरेंज कर दें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पाई इंटू वन बाय एन कर लेते हैं, ये आपको सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन है ही, यहां पर देखिए पाई इंटू आर बाय एन कर लेते हैं, ये आर बाय एन को अलग कर देते हैं। रूल आपको अगर याद हो तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का रूल है, सिग्मा के जगह पर इंटीग्रल का साइन दिए, आर बाय एन के जगह पर हमें एक्स डालना है, ये आपको हो जाएगा साइन पाई एक्स, एक तरह से ये पाई एक्स है। ये जो वन बाई एन है इसके जगह पर डी एक्स डालते हैं, बगल में ये पाई आपको कॉन्स्टेंट एज है तो मल्टीप्लाई में रहेगा। आर इज इक्वल टू वन, आर बाय एन जो है इस आर बाय एन में अगर आर का वैल्यू वन डालते हैं तो वन बाय एन, और वन बाय एन में अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आपको लोअर लिमिट जाता है। अगर r बाय एन में अपर लिमिट डालें n, तो ये n बाई एन होगा जो कि 1 होता है। अब अगर 1 है कॉन्स्टेंट है, इस पर इन्फिनिटी का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, इसीलिए इसका अपर लिमिट 1 जाएगा। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि साइन x है, ये साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो ये आपको हो जाएगा माइनस कॉस पाई x, लेकिन x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड भी तो करना है, पाई से डिवाइड करेंगे और रेंज जो है वो जीरो से वन लगा देना है। ये पाई और ये पाई तो आपको कैंसिल हो जाएगा, वन अगर डालें x के जगह पर तो माइनस कॉस पाई, माइनस जीरो अगर डालेंगे तो माइनस कॉस जीरो होगा, कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन जो इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये माइनस माइनस खुद प्लस ऊपर के कॉस जीरो का वैल्यू वन होगा, तो आंसर हो गया टू। टू कहां पर है, टू आपको सी में है, इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये निमसेट का, ये क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इन्फिनिटी डालेंगे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में चला जाएगा। रूल बताए थे, कोशिश ये करिए एक्स को नीचे लाए, अगर यहां ऊपर और नीचे आप x से डिवाइड करें तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन x बाई एक्स, नीचे आएंगे 1 माइनस कॉस x बाई एक्स, ऐसे करके होगा। यहां पे ये टर्म आपको अगर गौर से आप देखें, ये आपको एक बार बताए भी थे लिमिट्स में इस तरह का क्वेश्चन कि 1 बाय एक्स इंटू साइन एक्स, और नीचे में भी इसको 1 बाय एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे करके लिखिए। आपको क्वेश्चन इस तरह से बताए हुए हैं, आप पीछे पलट करके देखिए, पीछे जा करके वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। 1 बाय इन्फिनिटी एक्स की इन्फिनिटी है, 1 बाय इन्फिनिटी जीरो होगा। दिक्कत यह है कि साइन के अंदर डालेंगे इन्फिनिटी तो कन्फ्यूजन होता है कि साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है, साइन का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में कोई होगा। अब एंगल कितना भी बड़ा आप क्यों नहीं ले रहे, इसका वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगा, और उसमें आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका जो फाइनल लिमिट्स होगा ये आपको हो जाएगा वन प्लस जीरो ऊपर में, नीचे हो जाएगा वन माइनस जीरो, यानी ओवरऑल वैल्यू आपको वन आएगा, इसलिए इसका आंसर आपको होगा बी। अगला अगर क्वेश्चन देखें, ये 2008 के निमसेट में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ ये रहा है कि ये जो n है, लिमिट्स आप देख रहे हैं यहां पर cos x माइनस वन इंटू कॉस एक्स माइनस ई टू दी पावर x अपॉन x टू दी पावर n, x टेंस टू जीरो, ये फाइनाइट नॉन जीरो नंबर हो, एक फाइनाइट हो लेकिन जीरो नहीं हो, जीरो को छोड़कर कोई फाइनाइट नंबर हो, उसके लिए इस n का वैल्यू क्या होगा, वन टू थ्री फोर इस तरह से क्या होगा। अगर इसको आप गौर से देखें, लिमिट x टेंस टू जीरो, इसमें से अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं ये वन माइनस कॉस एक्स होगा, बगल का टर्म अगर देखें कॉस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, और नीचे का टर्म अगर देखें यहां पे एक्स टू दी पावर एन है, इसको फॉर्मुलाइज करने के लिए इसके नीचे एक्स स्क्वायर सफिशियंट, क्योंकि फॉर्मूला पर है,
इसके नीचे अगर स्क्वायर डाल देते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि फाइनाइट आपको फॉर्मूला देता है। बाकी यहां पे टर्म आपको n माइनस टू होगा, n में से मान लीजिए स्क्वायर निकल गया तो n माइनस टू बचेगा यहां पर। कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स ऐसा टर्म है कि अगर इसका डीसी भी लें तो एक बार साइन आएगा, फिर एक बार कॉस आएगा, फिर साइन आएगा, कॉस आएगा, आपको दिक्कत करेगा। यहां पे सीरीज का आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का जो सीरीज हम लोग पढ़ते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एक्स फोर बाय फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स सिक्स बाय फैक्टोरियल सिक्स, इस तरह से करके ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। टू दी पावर एक्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री एक्स फोर बाय फैक्टोरियल फोर, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। ये सीरीज का एक्सपेंशन का होता है। ये चीज हमें यहां डालना पड़ेगा। अगर ये चीज यहां पर डाल करके आप देखें तो क्या आता है, सो देखिए वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए कॉस एक्स का अगर ये लगाते हैं तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एक्स फोर बाय फैक्टोरियल फोर, इस तरह से ये बढ़ रहा है माइनस करके, माइनस ई टू दी पावर एक्स, इसका मान डालिए वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, एक बार लिख ही देते हैं, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ये माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल आउट होगा, इसके नीचे में एक्स टू दी पावर एन माइनस टू है ही। आप गौर से अगर देखिए ये वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, इधर आइए, यहां देखिए माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू यानी माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू होगा, ये आपको माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री होगा, बगल में ये x4 बाय फैक्टोरियल 4 होगा, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा टर्म्स। इसके नीचे में अब देखिए यहां पे कमाल, ये पावर यहां 1 है, अगर यहां केवल सिंगल x रहेगा तो ये इसको डिवाइड करेगा, यहां माइनस वन बचेगा, बाकी सब में डिवाइड अगर करेगा तो x बचेगा, और x बचेगा, x का वैल्यू जीरो दीजिएगा, इसके बाद सब हट जाएगा, यहां माइनस वन बच जाएगा, ये भी आपको फॉर्मूला देगा वन स्क्वायर बाय टू वन बाय टू करके, तो ये भी आपको नॉन जीरो हो गया, यहां से माइनस वन आएगा वो भी नॉन जीरो हुआ। मान लीजिए एक्स नहीं एक्स स्क्वायर दे दे, मान ले एक्स स्क्वायर देंगे तो यहां तो नीचे में एक्स बच जाएगा, ये तो जीरो होगा, लेकिन ये तो इन्फिनिटी कर देगा आपको, इसीलिए ये फाइनाइट वैल्यू दे, इसके लिए इसमें एक्स का ही नीचे होना चाहिए, या केवल एक्स रहेगा तो काम चलेगा। तो उस मुताबिक से यहां पर दो और यहां पर एक, तो तीन ही ना एक्स नीचे चाहिए, इसका मतलब हो गया कि n का जो वैल्यू है वो केवल तीन यहां पर अगर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, इसीलिए जो आंसर होगा ये c हो जाएगा, आंसर इसका c हिट करना। तो कभी कभी ट्रायलिंग रूल भी लगाना पड़ेगा, सीरीज का रूल भी लगाना पड़ता है, कहीं कहीं हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है, कहीं कहीं नॉर्मल जो ट्रिगोनोमेट्री का रूल है वो भी चलता है। आपको अपने हाथ में सभी अस्त्र को रखना है, जब जो जरूरी पड़े कभी तलवार निकाल लेंगे, कभी चाकू निकाल लेंगे, जब जो जरूरी पड़े उसका इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं कि एक ही रूल सब जगह अप्लाई करेंगे, एक ही रूल सब जगह अप्लाई करिएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो ये आज हमने लिमिट्स का देखा, 2008 से लेकर के 2019 तक जो पूछा गया क्वेश्चन था निमसेट में। फिर अगले वीडियो में मैं इसका कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर ऐसे ही आते हुए जिस तरह से टॉपिक को हम हैंडल कर रहे हैं, बेसिक लेवल के टॉपिक को जैसे क्लियर करते जाएंगे, लिमिट्स क्लियर कर दिए हैं, उसके हम निमसेट को क्लियर किए, फिर वीएचयू को क्लियर कर देते हैं, और भी जो एग्जामिनेशन है उसका भी क्लियर कर देंगे, फिर ऐसे ही कंटिन्यूटी के बाद कंटिन्यूटी के कंप्यूटर लेवल पे आ जाएंगे, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को इसका बेनिफिट उठाना है, कोशिश करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में पूरा स्प्रेड करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, और हमें सलाह देते रहें कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे अगली वीडियो उसमें सुधार करें। आप लोग अपने घर में ही रहें, अपने रूम में ही रहें, पढ़ें, रिवीजन का काम करें बढ़िया से, एग्जामिनेशन का तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।